तो हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू निशास रेसिपी बुक। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाली दाल, और उसके साथ में बनाएंगे जीरा राइस, जो बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, जिसे कहा जाता है प्रॉपर घर का खाना। तो चलिए बनाते हैं। एक कटोरी मैंने लिया है अरहर की दाल, अच्छे से धो के उसको डालेंगे कुकर में। प्याज और टमाटर मैंने साथ में ही काट के रखा था, अलग से इसको हमने तड़का नहीं लगाएंगे प्याज और टमाटर का। बिल्कुल सिंपल ऐसे ही दाल बनाएंगे। और एक कप मैंने ले लिए थे चावल, चावलों को भी बहुत अच्छे से धोएंगे, क्योंकि इनके ऊपर जो दाल होती है या चावल होते हैं ना, तो इनके ऊपर पॉलिश होती है, तो बहुत अच्छे से 2 से 3 पानी में धोना ज़रूरी होता है। तो अच्छे से चावल को, दाल को जब भी बनाएं बहुत अच्छे से धोइए। और दाल को मैंने अच्छे से धो के बॉयल होने के लिए रख दिया था, और मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि जो ये दाल जब बॉयल होती है ना, तो उसके ऊपर ये जो झाग आ जाती है, इसको आप हमेशा निकाल दीजिए। उसके बाद ही कुकर के लिए, प्रेशर कुकर में आप ढक्कन लगाइए, क्योंकि ये जो झाग होती है ना, बिल्कुल भी हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। ये बहुत सारी दालों में पॉलिश की जाती है, बहुत से ऐसे केमिकल लगाए जाते हैं कि दाल ख़राब ना हो। तो जो हम इसको बिना ऐसे ये झाग निकाले हुए अगर आप खा लेते हैं ना, तो वो अपनी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसको निकालने के बाद में मैंने उसमें नमक, हल्दी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए, और जो हमने प्याज और टमाटर काट के रखे हुए थे, हरी मिर्च, वो भी दाल में सीधा मिला देंगे। ये देखिए, ढक्कन बंद करेंगे और 2 व्हिसल आने तक के लिए दाल को पकाएंगे। दाल को हमने बना लिया था अच्छे से, दाल ठंडी हो गई है। तो अभी देखिए, इसको हम खोल के देखते हैं। ये देखिए, दाल बहुत अच्छे से पक गई है। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना होता है, मैं तूर की दाल वैसे भी थोड़ी कम गली हुई अच्छी लगती है। तो अब डालेंगे इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया, ये देखिए। तो अभी कर लेते हैं इसके तड़के की तैयारी। तो एक तड़का पैन लेंगे, उसमें डाला मस्टर्ड ऑयल, जीरा, राई डाली है मैंने 3 से 4, इसमें खड़ी लाल मिर्च डाली है, हींग डाली है, थोड़ी सी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मिला के दाल को लगा देंगे तड़का। ये देखिए, दाल हमारी पूरी अच्छे से बनके हो गई है तैयार। बहुत टेस्टी और बहुत ही झटपट दाल बनके तैयार हुई है। ज़्यादा हमें इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, और बहुत ही टेस्टी दाल बनती है। कभी भी जैसे टाइम कम हो और जल्दी से कुछ बनाना हो, तो आप ज़रूर ऐसे ही दाल को बनाइए। अभी दूसरे साइड हमने जो चावल भिगो के रखे हुए, तो उसको भी बना लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल डाला है, जीरा डाला है, जीरा राइस बनाएंगे, और जो हमारे राइस हमने भिगो के रखे हुए थे डाल देंगे। 1 कप चावल थे, तो 2 कप उसमें पानी डालेंगे। 1 व्हिसिल आने के बाद में गैस को करेंगे बंद। लीजिए, हमारे जीरा राइस भी बन के हो गए हैं बिल्कुल रेडी। तो अपनी अब प्लेट कर लेते हैं तैयार। ये देखिए, बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही कंफर्ट फूड होता है दाल और चावल। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है इसका। इसको आप दोपहर में, रात में, किसी भी टाइम खा सकते हैं। साथ में मैंने रखा हुआ है जो गाजर का और मूली और हरी मिर्च का अचार बनाया था मैंने, अगर आप उसकी वीडियो देखने चाहते हैं, तो वो मेरे चैनल पे पहले से अपलोड है, तो उसमें देख सकते हैं। साथ में रखेंगे रोस्टेड पापड़। तो लीजिए, हमारा कंप्लीट मील बनके हो गया है बिल्कुल रेडी। बहुत ही कंफर्ट फूड है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत जल्दी बनके तैयार होता है, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप जब भी बहुत कम टाइम हो और कुछ अच्छा बनाना हो, तो घर में दाल चावल बना के खाइए। और साथ में ही अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हो, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँ। तब तक